अगर आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश भी करोगे तो इट वॉन्ट मूव एंड दिस इज अ डाइवर्स वॉच, यानी कि हाई प्रेशर में ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर जाती है। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, इसका इस टाइम पे प्राइस है 6,21,900 रुपये, तो इन टोटल ये अराउंड 30-35,000 की है। सो द नेक्स्ट इज दिस सीको प्रसाज एंड ये अराउंड 55,000 रुपये की है। दिस इज अ टीसो वॉच एंड ये अराउंड 40,000 रुपये की है। हाई गाइज, वेलकम बैक टू SWS और मैं हूँ आपका अपना मनप्रीत सिंह। आई नो स्टूडियो टूर पेंडिंग है, बहुत जल्दी इसके बाद ही आ रहा है, तो डोंट वरी। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी पूरी वॉच कलेक्शन के बारे में, सबसे सस्ती से लेके सबसे महंगी वॉच तक। सो बिना किसी बकैती के लेट्स डाइव इनटू इट। आई नो मोस्ट ऑफ द लोग स्टार्ट करते हैं अपनी चीपेस्ट वॉच से, बट नहीं, हम इसमें शुरू करेंगे अपनी सबसे महंगी घड़ी से। तो इस कलेक्शन में से आपको क्या लग रहा है सबसे महंगी घड़ी कौन सी होगी? योर गेस माइट बी राइट। चलो बता देता हूँ, सबसे महंगी घड़ी है हमारी ये ओमेगा। सो दिस इज एन ओमेगा सी मास्टर प्लैनेट ओशन। इसका केस साइज है 43.5 mm। आई नो मेरे रिस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज ये मैं और मेरे पापा दोनों वॉच यूज करते हैं, तो कई बार वो पहन लेते हैं और कई बार मैं पहन लेता हूँ। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, इसका इस टाइम पे प्राइस है 6,21,900 रुपये। काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने एक्चुअली इसको 4-4.5 लाख रुपए के आसपास ली थी। तो इसका पहला पॉइंट तो ये है कि हाँ भाई, टाइम के साथ इसका प्राइस भी बढ़ता है, विच इज़ गुड फॉर मी। अगर बात करें इसके स्पेक्स की, तो पहला है इसका बेजल, यानी कि दिस थिंग, दिस इज़ अ यूनिडायरेक्शनल बेजल, यानी कि आप ये सिंगल साइड पर ही घूमता है। अगर आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश भी करोगे तो इट वॉन्ट मूव। एंड दिस इज अ डाइवर्स वॉच, यानी कि हाई प्रेशर में ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर जाती है। सो द नेक्स्ट वॉच इज दिस लॉन्जीन्स हाइड्रो कॉन्क्वेस्ट। So this is a 39mm watch and the price of this watch is 1,76,000. This is quite special to me because मैंने अपने आप को gift की थी। So as I told you, this is a 39mm case size. So मेरी wrist पे बिल्कुल perfectly बैठता है and this strap is oyster bracelet, जो कि Rolex ने सबसे पहले introduce किया था, I guess 1930s या 40s में, and उसके बाद सारी companies इसे use करने लग गई and ये काफ़ी ज़्यादा comfortable है। So अगर बात करें इसके bezel की, again ये unidirectional है and ये water resistant watch है। अगर आप swimming करने जाओ या कोई भी water sport खेलने जाओ तो ये बिल्कुल सही काम। So the next watch is this Tissot watch and the model name is Leloclet Powermatic 80. एंड अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 75-80,000 के प्राइस। प्लीज एड अप करते रहना, मुझे एक्चुअली पता नहीं कितना हो चुका है अभी। सो बात करें अगर वॉच की, तो इसके नंबर्स की जगह इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट द सेलर टोल्ड मी। एंड दिस इज वेरी कम्फर्टेबल, द स्ट्रैप इज एक्चुअली जुबली स्ट्रैप एंड दिस कैन बी योर डे टू डे वॉच। आप इसे फॉर्मली भी पहन सकते हैं एंड इसे कैजुअली भी पहन सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस वॉच का केस साइज 39.3 mm। मैंने बहुत सारी वॉचेस खरीदी हैं, उसका केस साइज होते हैं जैसे 39 mm, 40 mm, 42.5 mm, 42 mm। इसका काफ़ी यूनिक है 39.3 mm, आई थिंक इट इज़ क्वाइट। सो द नेक्स्ट इज दिस गुची वॉच। आई नो ये डिज़ाइनर टाइम पीस है एंड काफ़ी लोग डिज़ाइनर वॉचेस को हेट करते हैं, बट आई सिंपली लव दिस। तो अगर इस घड़ी के बारे में बात करें तो इसका कैनवस स्ट्रैप है, यानी कि नाटो स्ट्रैप की है एंड इट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। काफ़ी एजी है, मतलब कि आप हर ओकेजन पर नहीं पहन सकते हो एंड मोस्टली फॉर्मल ओकेजन पर, बट हर कैजुअल ओकेजन पर यू कैन ऑलवेज रॉक। तो अब मेरी सारी मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस खत्म हो चुकी है, अब बात करेंगे मेरी सारी बजट वॉचेस के बारे में एंड देन टू माई फेवरेट वॉचेस। तो अगर बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कैसियो की वॉचेस। आई नो कैसियो की वॉचेस काफ़ी सस्ती है और बढ़िया भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये दो वॉचेस की। ये काफ़ी विंटेज है एंड काफ़ी कूल लुकिंग वॉचेस है। तो मेरे पास ये दो कलर्स में है, वन इज़ ब्लैक एंड वन इज़ गोल्ड, एंड आई गेस कि 4-4.5 हज़ार के बीच में आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर बात करें हम किस ओकेजन पर पहन सकते हो, आप इसे सिंपली हर ओकेजन पर पहन सकते हो, कैजुअली फॉर्मली। अगर थोड़ा किसी एज, किसी आउटफिट में अगर आपको एज लाना है तो आप इसके साथ ज़रूर ला सकते हो। एंड ये गोल्डन वॉच ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी बहन ने गिफ्ट की। सो द नेक्स्ट बजट वॉच इज दिस टाइमेक्स वीकेंडर वॉच। आप इस घड़ी का प्राइस बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते मैंने कितने की ली। ये घड़ी मैंने सिर्फ 1,500 रुपये की ली थी और कल एक्चुअली मैं प्राइस चेक कर रहा था जस्ट फॉर द यूट्यूब वीडियो एंड मुझे पता लगा ये घड़ी 8,000 रुपये की बिक रही है। अब मतलब कि इतना ज़्यादा रिटर्न, एक्चुअली ओमेगा ने भी मुझे इतना रिटर्न नहीं दिया जितना इस घड़ी, इस टाइमेक्स वॉच ने मुझे दिया। ओरिजिनली ये कपड़े वाले स्ट्रैप में आती है, यानी कि नाटो स्ट्रैप में आती है, बट अब मैंने इसे सिलिकॉन स्ट्रैप में डाला है क्योंकि ये ज़्यादा कूल और अच्छी लगती है। सो द नेक्स्ट इज दिस, सो नेक्स्ट इज दिस डैनियल वेलिंगटन वॉच। तो अगर इस ड्रॉप टेस्ट के बाद आपको पता लगे क्या होगा कितनी टिकाऊ घड़ी है। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये घड़ी महंगी भी है और नहीं भी,
बताता हूँ कैसे। तो अगर आप ब्लैक फ्राइडे सेल या किसी क्रिसमस ईव पे लेते हो तो ये घड़ी आपको काफ़ी डिस्काउंट पर मिल जाएगी, क्योंकि डैनियल वेलिंगटन आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अच्छे अच्छे देता है उस टाइम। बट इस टाइम पे मैंने कल ही इसका चेक करा प्राइस, ये 11,500 रुपये के आसपास की मिल रही है, बट मैंने ब्लैक फ्राइडे सेल पे खरीदी थी तो ये 6,500 रुपये की मिली। सो नेक्स्ट बजट वॉचेस की बात करें तो ये है दोनों जोर्डानो की वॉचेस। अगर बात करें हम इसके प्राइजेस की तो आई गेस ये 2 से 2,500 रुपये के बीच की होनी चाहिए। ये दोनों घड़ियाँ एक्चुअली काफ़ी पुरानी हैं, ये मुझे 2014 में मुझे गिफ्ट मिली थी मेरे बर्थडे पे, एंड ये वॉच 2006 या 2007 के आसपास की है। तो ये दोनों ऑल ब्लैक वॉचेज हैं, एंड एज यू ऑल नो ब्लैक काफ़ी वर्सेटाइल कलर है, तो आप इसे कहीं भी पहन सकते हो, किसी भी ओकेजन में, कैजुअल फॉर्मल एनी। सो अगर हम ब्लैक वॉचेस की बात कर ही रहे हैं, सो लेट्स गेट इनटू वन मोर ब्लैक वॉच व्हिच इज दिस वन। ये डिजाइनर टाइम पीस है एंड दिस इज अ जिवांची वॉच। ये घड़ी भी काफ़ी पुरानी है, आई गेस ये 2013-14 के आसपास ली थी एंड उस टाइम पे ये 30-35,000 रुपये की थी। तो ये काफ़ी प्लेन ऑल ब्लैक वॉच है एंड इसकी यूएसपी सिर्फ मेरे हिसाब से यही है कि इसका बटरफ्लाई क्लास्प। सो नाउ वील टॉक अबाउट माई फेवरेट। सो मेरी पहली फेवरेट इज दिस सिटीजन वॉच। ये फेवरेट क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डायल एंड दिस ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट एक्चुअली मुझे रोलेक्स की वाइब देता है, क्योंकि ये रोलेक्स डे डेट में आता है एंड दिस ब्रेसलेट इज कॉल्ड रोलेक्स प्रेजिडेंट ब्रेसलेट। इसका केस साइज इज अराउंड 40 mm एंड इसका प्राइस इज 33,000, विच आई थिंक इज परफेक्ट बिकॉज इट इज वर्थ एवरी पेनी। सो माई नेक्स्ट फेवरेट वॉच इज दिस टीसॉ पीआरएक्स। दिस पर्टिकुलर टीसॉ पीआरएक्स इज अराउंड 30,000 एंड एक क्वार्ट्ज मूवमेंट में है। इसकी ऑटोमेटिक मूवमेंट भी आती है विच इज अराउंड 60-65,000। अगर हम बात करें टीसॉ पीआरएक्स की, इसका ब्रेसलेट इज वेरी यूनिक एंड वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक ये समवट ऑडोमास पिगी की वाइब देता है एंड इफ यू ऑल डोंट नो व्हाट ऑडोमास पिगी इज, इट इज अ लग्जरी ब्रांड जो आई गेस 20-25 लाख रुपए से शुरू होती है। सो इसका केस साइज इज 40 mm एंड इसके अंदर काफी सारे अलग अलग डायल्स आते हैं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आती है, लाइक ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, एंड दिस वन इन पर्टिकुलर इज ऑफ वाइट। द नेक्स्ट इज दिस ओमेगा मून स्वॉच। ये ओमेगा और स्वॉच का कोलैबोरेशन है विच इज क्वाइट यूनिक एंड रेयर। सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज मिशन टू मर्करी एंड इसमें काफ़ी सारे अलग वेरियंट्स आते हैं, लाइक मिशन टू यूरेनस, मिशन टू अर्थ, मिशन टू मून। एंड मैंने ये पर्टिकुलर मॉडल इसलिए चूज किया क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी के साथ ज़्यादा रेजनेट। लाइक ओमेगा स्पीड मास्टर, इसका भी प्राइस टाइम के साथ इंक्रीज हुआ है। मैंने एक्चुअली इसे 25 से 28,000 का लिया था एंड ये अब 40,000 रुपये की हुई। गाइस अभी तक हमने 14 घड़ियाँ कवर कर दी हैं एंड एटलीस्ट अभी भी आई थिंक 8 से 10 घड़ियाँ बची हुई हैं एंड इनकी कोई अलग USPs नहीं है, तो आई थिंक आपको मैं सारी घड़ियाँ दिखा देता हूँ विद प्राइस टैग्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो पहली है दिस एम्पोरियो अरमानी वॉच विच इज प्राइस अराउंड 18,000। दूसरी है दिस टाइमेक्स वॉच, इट इज अ क्वार्ट्ज मूवमेंट एंड दिस इज अराउंड 14,000। सो नेक्स्ट इज दिस सीको वॉच, इट इज अ डाइवर्स वॉच। ये मैंने 18 से 20,000 के आसपास ली थी। मैंने इसके अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशन कर रखी है, लाइक मैंने इसका स्ट्रैप चेंज कर रखा है, इट इज अ जुबली स्ट्रैप एंड मैंने इसका बेजल भी चेंज किया है एंड द ग्लास इटसेल्फ इज सफायर क्रिस्टल जो कि मैंने चेंज किया हुआ है। तो इन टोटल ये अराउंड 30-35,000 की है। सो द नेक्स्ट इज दिस सीको प्रसाज, इट इज अ ड्रेस वॉच एंड ये अराउंड 55,000 रुपए की है। दिस इज अ टीसो वॉच, अगेन दिस इज अ ड्रेस वॉच एंड ये अराउंड 40,000 रुपए की। सो द नेक्स्ट वन इज दिस सीको वॉच, इसका एग्जैक्ट नेम इज सीको 5 स्पोर्ट्स स्ट्रीट फाइटर 5। इट इज अ लिमिटेड एडिशन वॉच एंड इस मॉडल का नाम है केन एंड इट इज अराउंड 33,000 या 35,000। नेक्स्ट इज दिस माइकल कोर्स वॉच, इसका ब्रेसलेट ऑयस्टर है एंड ये आई थिंक अराउंड 15,000 रुपए के आसपास की। द नेक्स्ट इज दिस हुगो बॉस वॉच, इसका ब्रेसलेट मेश है जो काफी कंफर्टेबल एंड यूनिक है एंड आई थिंक इसका प्राइस इज अराउंड 18,000। एंड द लास्ट इज दिस गेस वॉच विच इज अराउंड 14-15,000। तो यहाँ पे हमारी वॉच कलेक्शन खत्म होती है एंड आई गेस ये 14-15 लाख तक तो चली गई होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी वॉच सबसे बेस्ट लगी एंड आपका नेक्स्ट बाय कौन सा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल।